हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ हम सब भी अच्छे होंगे, आप भी होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी अटेंड कल्चरल क्लासेस चल रही थी, इसका लेक्चर नंबर 12। जिन लोगों ने फिर भी इस क्लासेस नहीं देखी है, वो जा करके देख सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर 24 से 25 पेज स्किप करके आप लोग नोट करना प्रारंभ कर सकते हैं। ये क्लासेस हैं, ये IAS और PCS दोनों के लिए प्रिपेयर कराई जा रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम लोग PT और मेंस दोनों को कवर करते हैं। मेंस के आंसर राइटिंग कराई जाती है और प्रॉपर आप लोगों के लिए नोट्स भी बनवाए जाते हैं। आज हम लोग लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं मंदिर स्थापत्य कला का। कल से हम लोगों का चैत और बिहार स्टार्ट होगा, जो कि एक नया टॉपिक होगा। यहाँ पर हम लोग मंदिर स्थापत्य कला फिनिश कर देंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे उसका, हम पहले एक बार देख लेंगे कहाँ से कनेक्टिविटी है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप लोग बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें से कुछ मैसेज यहाँ पर लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, रेगुलर आप लोग मैसेज करते हैं, जैसे बाई डे वन है, ये डेली मैसेज करते हैं। और यहाँ पर इट्स ट्रू लवर, इनका मतलब नेम नहीं है यहाँ पर, कोई चैनल नेम पड़ा हुआ है, ये भी डेली यहाँ पर मैसेज करते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। इसी तरह से आप लोग मैसेज करते रहिए। और देखिए यहाँ पर नेहा त्यागी मैम है, वो भी डेली मैसेज करती है। उन्होंने कहा सर, आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेने के बाद अब 27 जून का वेट नहीं हो पा रहा है, और इतने अच्छे से सारी चीजें हैं वो आप लोगों को समझ में आती है। देखिए यहाँ पर इन्होंने नीचे लिखा भी है, इतने अच्छे से पढ़ाया है सर आपने, तो हम आपको देखिए एक तरह से एकदम बेसिक से ही उठा करके चलते हैं और पूरे एडवांस तक आपको आंसर राइटिंग भी कराते हैं। ओके, तो इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आपको प्रीमियम से प्रीमियम कंटेंट है वो मिलेगा आपको। जैसे ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली में प्रयागराज में चलती हैं, उसी तरह से आप लोगों के लिए सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। उन क्लासेस और इन क्लासेस में आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी न्यू मेंबर हमसे जुड़ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 बैचेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहे हैं इस बार। तो एक UPPCS, एक BPCS और एक UPSC, जो PT और मेंस दोनों के लिए होने वाला है। यहाँ पर 3 बैचेस आप लोगों के लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। 27 जून से सारे बैचेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं। 27 जून को आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी इस पर, एक सविस्तार में आप लोग आकर के देख लीजिए। और जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, उन लोगों के एडमिट कार्ड है वो 22 तारीख तक सभी के बन जाएंगे और फिर आप लोगों के लिए सेंड किए जाएंगे। तो आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड कैसे बनवाना है, कैसे आप लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वीडियो का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन दिख रहा होगा वहां पर भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहां पर भी आपको फर्स्ट नंबर पे ही ये वीडियो मिल जाएगी। ओके, अधिक जानकारी के लिए अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, देखिए इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको ये सारी क्लासेस किस तरह से, कितने घंटे पर, किस सब्जेक्ट पर आपकी क्लासेस चलेंगी, सविस्तार में आप लोगों को बताया गया है। जिन लोगों ने हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, वो लोग हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो देखिए आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस चल रही हैं, ये क्लासेस जो सेकंड फाउंडेशन बैच और अचीवर बैच में जो विद्यार्थी हमारी एडमिशन लिए थे हमारी ऐप के ऊपर, उन लोगों की कुछ क्लासेस यहाँ पर बची हैं, उसी में आर्ट एंड कल्चर आप लोगों का रह गया था। तो आर्ट एंड कल्चर आपका यहाँ पर डेली 9 बजे आप लोगों को कराया जा रहा है। कल आप लोगों के लिए क्लास नहीं मिल पाई थी, क्योंकि यहाँ पर गाँव में परसों वाले रात को बहुत तेज आंधी आई थी। आंधी आने के कारण यहाँ पर तार बार कहीं पर टूट गया था, पता नहीं क्या हुआ, तो कल पूरे दिन लाइट ना आने की वजह से हमारा सिस्टम चार्ज नहीं हो पाया। इस वजह से आप लोगों के लिए कल आपको वीडियो नहीं मिल पाई। ओके, लेकिन आज आप लोगों के लिए वीडियो मिल जाएगी और कल और आज का दोनों का एक साथ हम लोगों के लिए पढ़ा दिया जाएगा। देखिए जिन लोगों को प्रीवियस क्लासेस देखनी है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो भी मिल जाएगा, या फिर आप लोग क्लब वाई असेसमेंट हमारे चैनल को सर्च करेंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा। तो वहां पर देखिए ये अचीवर बैच फॉर IAS एंड PCS, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्लेलिस्ट को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट में ही आपको सारी क्लासेस हैं वो आपको मिल जाया करेंगी। ओके, तो चलिए एक बार हम लोग चलते हैं प्रीवियस क्लासेस के ऊपर, जो आपको प्रीवियस क्लास पढ़ाई थी, जिससे कनेक्टिविटी बन पाए, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर इसको कवर करने वाले हैं। देखिए हम आपको पढ़ाए थे कि जो मंदिर निर्माण शैली के बारे में, तो हम आपको बताए थे कि भारत में 3 तरह से मंदिरों का निर्माण किया जाता है, एक नागर शैली में, एक बीसर शैली में और तीसरा द्राविड़ शैली में। देखिए अभी हमारा आप लोगों को फेस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया था हम 6 से 7 दिनों तक अपने गांव आए हुए हैं, इस वजह से आपको फेस के साथ में नहीं बढ़ा पा रहे, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ओके, तो आपको कुछ क्लासेस, 4-5 क्लासेस आपको विदाउट फेसेस के मिलने वाली है, फिर आपको उसी तरह से पढ़ाया करेंगे। तो देखिए हम लोग नागर शैली है उसको कम्प्लीट कर लिए थे और द्राविड़ शैली को भी हम लोग मैक्सिमम कवर कर चुके। हमने पल्लव के बारे में देख लिया, चोल शासकों के बारे में देख लिया, और जो पांडियन काल था इसको भी देख लिया, और विजयनगर ही हमारा बचा है और नायक हमारा बचा है, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। और साथ में आप लोगों के लिए हम बता दें कि यहाँ पर हम लोग जो बेसर शैली है उस बेसर शैली को भी हम लोग आज कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, एक बार इसको कैंसिल कर देते हैं, एक सेकेंड रोकिएगा।
चलिए अब हम लोग यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से नोट करते हुए चलना है। ओके, तो विजयनगर का हम लोग देखने वाले वाले थे, तो जो हमारा द्राविड़ मंदिर की जो शैलियां है उसमें हम देख रहे थे क्षेत्रीय स्तर पर, तो विभिन्न शासकों के द्वारा द्राविड़ शैली का विकास हुआ, तो इसमें हम लोग देख चुके थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है विजयनगर कालीन के मंदिर। ओके, तो हेडिंग आप लोगों को डालना है विजय नगर कालीन के मंदिर, विजयनगर कालीन के मंदिर। ओके, यहां से आप लोगों के लिए नोट करते हुए चलना है, ये 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में, 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में विजयनगर शासकों के द्वारा यहाँ पर मंदिरों का काफी तेजी से विकास हुआ। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरह से हमारा प्यारा भारत, देखिए यहाँ पर जिधर हमारा गांव है ये तराई क्षेत्र में पड़ता है, पीलीभीत कभी आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर रात में काफी ठंडा मौसम हो जाता है और हम छत पर सो गए थे पंखा चला करके, जिस कारण 2-3 दिन लगातार सोए थे, तो थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसी समय मोहम्मद बिन तुल्लक का काल चल रहा था। अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुल्लक का इस समय पैरेलल में काल चल रहा था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वर्तमान में जो हम्पी है ना, वर्तमान में जो हम्पी है, ओके, जो आपको देखने को मिलेगा तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इधर विजयनगर शासकों के द्वारा, ये आपको देखिए नोट करते हुए चलना है, विजय नगर के शासकों के द्वारा, के द्वारा मंदिर परंपरा को और आगे बढ़ाया गया, और आगे बढ़ाया गया। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा और आगे बढ़ाया गया। तो इसी समय आपको देखने को मिलेगा कि 1700, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा 1336 ईस्वी के करीब में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई, देखिए विजयनगर है इसकी स्थापना किसने की, तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए यहाँ पर, हरिहर एवं जो बुक्का थे, हरि और बुक्का के द्वारा यहाँ पर विजयनगर की स्थापना की गई। और देखिए विजयनगर की जब स्थापना हुई तो यहाँ पर बहुत सारे शासक भी शासन किए होंगे, तो उन अगर राजवंशों का आप लोग नाम लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर जगह नहीं, आप लोग यहाँ पर ही लिखिएगा, हम आगे लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है ज्यादा। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि विजयनगर साम्राज्य में कई वंश आसीन हुए। तो देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे कि संगम वंश। तो देखिए आप लोगों के यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे कि अगर आपसे क्रम पूछेगा तो आप लोग यहाँ से क्रम आराम से बता सकते हैं। ओके, और आपको दूसरा देखने को मिलेगा सालू वंश देखने को मिलेगा, तीसरा आपको देखने को मिलेगा तुलुब वंश आपको देखने को मिलेगा, चौथा आपको देखने को मिलेगा अरविंदो वंश आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इसके भी आपको नाम ध्यान रखने हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं विजयनगर कालीन के जो मंदिर थे जो किस शैली में बनाए गए थे, ये सभी द्राविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण किया गया था। इन मंदिरों के बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर आपको सविस्तार में इन सभी मंदिरों के बारे में आप लोगों को पढ़ाते हैं। देखिए जब जब तक आप लोग नोट करिए, आपको कुछ बताते हैं यहाँ पर विजयनगर मंदिरों के बारे में।
तो देखिए, जो विजयनगर के जो मंदिर थे उन मंदिरों को बहुत ज्यादा भव्य बनाया जाता था। साथ में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो महामंडप होते थे उसके साथ में एक नए मंडप का निर्माण किया गया जिसको कल्याण मंडप बोलते थे। ये देवी देवताओं के विवाह स्थल से रिलेटेड होते थे। साथ में एक यज्ञ मंडप भी बनता था जहां पर जो जानवर होते थे उनकी बलि दी जाती थी। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाते हैं पंबापति का मंदिर, आपको एक दिखाते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। ये देखिए, ये विजयनगर आपको डायनेस्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक सेकेंड, यहाँ पर ये कॉपी नहीं हो पाया, दोबारा से करते हैं। ये देखिए आपको विजयनगर, आपको ये डायनेस्टी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस तरह से मंदिरों का निर्माण किया गया। ओके, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये रथ रथ टाइप का यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। इसको थोड़ा सा क्लियर दिखाते हैं। यहाँ पर हमने इस मंदिर का एक और फोटो लेकर के रखा है। ये तो आपको लोकेशन देखने को मिलेगी कि विजयनगर किधर है। अब देखिए ये मंदिर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, इस समय इस तरह से मंदिरों का निर्माण किया जाता था। और यहाँ तक आते आते जो गोपुरम होता था ना, वो मंदिर से बड़ा होने लगा। गोपुरम किसे बोलते हैं, जो प्रवेश द्वार होता था वो बहुत ज्यादा भव्य होने लगा, बहुत ज्यादा बड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मंदिरों का यहाँ पर निर्माण किया जाने लगा। देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक, देखिए यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए ये जो मंदिर है ये काफी ज्यादा भव्य आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। ये हम्पी का टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। देखिए हम्पी के टेम्पल की विशेषताएं क्या थी। यहाँ पर जो हम्पी का टेम्पल था उसका गोपुरम यहाँ पर बहुत ज्यादा विशाल आपको देखने को मिलेगा। इधर से देखिए इसकी जो संरचना होती थी वो एक पिरामिड नुमा आपको देखने को मिलेगी, और घटते हुए तल्लों में इस तरह से देखने को मिलेगी। तो ये द्राविड़ शैली थी, ये काफी ज्यादा इस तरह से विकसित होने लगी थी। एक सेकेंड, किसी का फोन आ गया। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पर कुछ विशेषताओं के बारे में, फिर हम लोग चलते हैं। देखिए जो हम्पी का मंदिर है वो वैसे नायक शासकों में आता है, लेकिन यहाँ पर हमने इमेज आप लोगों को दिखा दी थी। ओके, तो चलिए आप लोग नोट करिएगा यहाँ पर विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं के बारे में आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो देखिए आपको नंबर एक देखने को मिलेगा कि वर्गाकार गर्भगृह, नोट करिएगा आप लोग, वर्गाकार गर्भगृह कॉमा गर्भगृह के ऊपर पिरामिडाकार शिखर, गर्भगृह के ऊपर पिरामिडाकार शिखर कॉमा सर्वोच्च भाग पर स्तूपिका। देखिए द्राविड़ मंदिर की जो शैली होती थी उसमें एक विशेषता हम बताई थी, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर कलश होता था और आमलक होता था, लेकिन द्राविड़ मंदिरों की एक विशेषता थी कि उसके सर्वोच्च भाग पर एक स्तूपिका नामक चीज होती थी, जो आपको हम इस तरह से एक संरचना दिखाई थी। देखिए इस तरह से गोल गोल एक संरचना बना करके दिखाई थी। ओके, इस तरह से ये मानते हैं मंदिर है। ओके, तो इस तरह से जो ये संरचना आपको दिख रही है इसी को क्या बोलते थे हम लोग, स्तूपिका इसको बोलते थे। ओके, आगे आप लोग लिखिए सर्वोच्च भाग पर स्तूपिका, सर्वोच्च भाग पर। देखिए स्तूपिका अगर आप लोगों को नहीं लिख मिल रहा है तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि सर्वोच्च भाग पर स्तूपिका कॉमा चारों तरफ अंतराल। इस अंतराल का उपयोग प्रादक्षिणापथ मार्ग के रूप में किया जाता था। प्रादक्षिणा पथ मार्ग के रूप में किया जाता था। देखिए प्रादक्षिणा पथ मार्ग क्या होता है, पूजा करने के लिए एक एक जगह छोड़ी जाती थी जिस जिस पर लोग होते थे वो चारों तरफ इस तरह से भ्रमण करते थे और उस गर्भगृह का भ्रमण करते थे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो आपको नेक्स्ट लिखना है कि विजयनगर के मंदिरों में स्तंभों पर अनेक मंडपों का निर्माण किया जाता था। विजयनगर के मंडपों में सॉरी विजयनगर के मंदिरों में
विजयनगर के मंदिरों में स्तंभों पर अनेक मंडपों का निर्माण किया जाता था, अनेक मंडपों का निर्माण किया जाता था, जैसे महामंडप, महामंडप। ओके, अब देखिए महामंडप तो हम लोग पहले ही देखते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर महामंडप के अलावा एक कल्याण मंडप होता था। कौन सा होता था? कल्याण मंडप एक और होता था, कल्याण मंडप था। ब्रैकेट में लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा, ये न्यू है। देखिए कल्याण मंडप का निर्माण क्यों किया जाता था? कल्याण मंडप है ये देवी देवताओं का विवाह स्थल के रूप में इसका निर्माण किया जाता था। देवी देवताओं का ये विवाह स्थल होता था, का विवाह स्थल, देवी देवताओं का विवाह स्थल होता था। इसी तरह से आपको एक और मंडप देखने को मिलेगा जिसको बोलते थे यज्ञ मंडप। किस नाम से जानते हैं जिसको? यज्ञ मंडप के नाम से जानते हैं, यज्ञ मंडप के नाम से जानते हैं। देखिए इस यज्ञ मंडप का कार्य क्या होता था? इस यज्ञ मंडप है इसका निर्माण इसलिए किया जाता था क्योंकि यहाँ पर ही जो पूजा से रिलेटेड जो बलियां दी जाती थी, तो यहाँ पर बलियां दी जाती थी। ओके, जैसे किसी की बलि चढ़ाना होता था तो इसी मंडप के अंदर बलि चढ़ाई जाती थी, यहाँ बलि दी जाती थी, बलि दी जाती थी। जैसे कि आपको दुर्गा मंदिर का मंदिर देखने को मिलेगा तो वहां पर यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता था जिसका उपयोग बलि देने के लिए किया जाता था। इसके अलावा एक और आपको मंडप देखने को मिलेगा जिसे अमन मंडप के नाम से जानते हैं। ओके, तो लिख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट मंडप के बारे में, अमन मंदिर इसको बोलते हैं। देखिए अमन मंडप मत लिखिएगा, इसे अमन मंदिर लिख लीजिएगा। देखिए ये मंदिर जो होता था ये सहायक देवी देवताओं का मंदिर होता था, तो ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो यहां पर लिख लीजिए सहायक देवी देवताओं का मंदिर, सहायक देवी देवताओं का मंदिर यदि। ओके, इसकी देखिए ये विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे इसका मुख्य देखिए यहाँ पर आपको जो कल्याण मंडप है वो एक नया मंडप का निर्माण किया जा रहा था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है पीटी में आप लोगों से पूछ लिया जाए। ओके, इसी तरह से आपको थर्ड पॉइंट आपको नोट करना है कि विजयनगर के मंदिरों के स्तंभों पर, विजयनगर के स्तंभों पर काफी खूबसूरत अलंकरण, खूबसूरत अलंकरण अलंकरण किया गया है, पर काफी खूबसूरत अलंकरण किया गया है स्तंभों की साज सज्जा, साज सज्जा देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, स्तंभों की साज सज्जा काफी बारीक तथा नकाशी पूर्ण है, काफी बारीक, देखिए बारीक इस तरह से लिखा जाएगा बारीक। ओके, काफी बारीक तथा नकाशी पूर्ण है। चौथा पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, मंदिरों के बाहरी भागों को देवी देवताओं के विविध शिल्पों से सजाया गया है। चौथा पॉइंट नोट करिएगा, मंदिरों के बाहरी भागों को, ये चौथा पॉइंट है, मंदिरों के बाहरी भाग को देवी देवताओं के विविध शिल्पों से सजाया गया है। पांचवा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, विजयनगर काल तक आते आते गोपुरम और भव्य हो गया। विजयनगर काल तक आते आते गोपुरम और भव्य हो गया,
इसकी मूल ऊंचाई, इसकी मूल ऊंचाई, इसकी मूल ऊंचाई मंदिरों से भी अधिक हो गई। इसकी मूल ऊंचाई मंदिरों से भी अधिक हो गई। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा, मंदिरों से भी अधिक हो गई। ओके, तो देखिए आपको विजयनगर के प्रमुख मंदिरों की अगर हम बात करें, विजयनगर के नगर के प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर, तो देखिए एक आपको देखने को मिलेगा नल्लौर का, सॉरी नल्लौर का विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर, और इसके अलावा देखिए हम्पी के मंदिर आपको समूह देखने को मिलेगा। हम्पी जो जगह थी, ओके, जो अभी हम आपको स्टार्टिंग बताए थे तुंगभद्रा नदी के पास में, तो वहां पर बहुत सारे मंदिर समूह देखने को मिलेंगे। ओके, तो लिख लीजिए हम्पी के मंदिर समूह, ये कोई एक मंदिर नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा हम्पी के मंदिर समूह। तो देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, एक आपको देखने को मिलेगा यहां पर पंपापति मंदिर, पंपापति मंदिर, दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहां पर बरदराज मंदिर, बरदराज मंदिर, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा विट्ठल स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी, विट्ठल स्वामी मंदिर। ओके, और चौथा आपको देखने को मिलेगा हजारा मंदिर, हजारा मंदिर, और इसी तरह से आपको पांचवा देखने को मिलेगा विरूपक्ष मंदिर, विरू पक्ष मंदिर। ओके, देखिए जो विट्ठल स्वामी और जो हजारा मंदिर है, ये कृष्ण देव राय के द्वारा बनाए गए थे। ये कृष्ण देव राय के द्वारा, देव राय के द्वारा बनवाए गए थे। ओके, और ये विरूपक्ष का जो मंदिर है, ये विष्णु मंदिर देखने को मिलेगा। ये किसका मंदिर है, ये विष्णु का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और ये सभी के सभी जो मंदिर है ना, ये यूनेस्को के तहत जो वर्ल्ड हेरिटेज होता है उसके अंतर्गत ये रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ये सभी मंदिर, सभी मंदिर यूनेस्को, यूनेस्को के तहत सूचीबद्ध हैं, यूनेस्को के तहत सूचीबद्ध हैं। ओके, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए एक बार आप लोगों के लिए दिखा देते हैं, गोपुरम दिखा देते हैं, जो कितने सारे भव्य, मतलब बहुत भव्य गोपुरम का निर्माण किया जाता था। देखिए एक गोपुरम का हम फोटो लिए थे, वो आपको दिखाते हैं। देखिए ये देखिए गोपुरम है, देखिए ये आपको लग रहा है गोपुरम है, देखिए पूरा मंदिर का मंदिर लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में आपको देखने को मिलेगा ना, ये गोपुरम है। इसी तरह से इस काल में भी बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े गोपुरमों का निर्माण किया गया, और इस गोपुरम पर भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी इस तरह से चित्रकारी की जाती थी। ये क्या है, एक गोपुरम ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब प्रवेश द्वार है, उसी प्रवेश द्वार को इस तरह से भव्य रूप बनाया जाता था। और विजयनगर आते आते ये गोपुरम की जो ऊंचाई थी, वो मूल जो मंदिर होता था ना, उससे भी अधिक हो गई, मतलब उस जो प्रवेश द्वार होता था वो ज्यादा भव्य बनाया जाता था। तो ये चीजें विशेषताएं आपको इसकी देखने को मिलेंगी। ओके, और देखिए हम्पी का आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, देखिए देखिए ये विजयनगर डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए विजयनगर डायनेस्टी है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था। ओके, यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा विजयनगर डायनेस्टी में बहुत सारे मंदिरों का
इस तरह से निर्माण किया गया। ये देखिए आपको हम्पी का मंदिर आपको ये देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, सिर्फ ये मंदिर एक मंदिर नहीं है। ओके, तो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो लास्ट में आपको ब्रू पक्ष का विष्णु मंदिर है ना, उसी का इमेज आपको देखने को मिलेगा। ओके, किसका है जो ब्रू पक्ष का मंदिर हम आपको दिखाए थे लास्ट में, अभी उसी मंदिर का ही आपको इमेज देखने को मिलेगा। ये किसका मंदिर है, ये आपको विष्णु का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ओके, किसका मंदिर है, ये विष्णु का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इस हम्पी वाली जगह पर बाद में नायकों ने भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया था। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नायक कालीन मंदिर आते हैं, उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए ये तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन नायक कालीन जो मंदिर है उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो हेडिंग डालिए नायक कालीन। सॉरी, थोड़ा ज्यादा तेज कोल्ड हो गया। नायक कालीन आप लोग जिधर रहते हैं पता नहीं उधर बारिश हुई ना हुई, इधर तो बारिश बारिश हो गई थी और ठंडा मौसम हो गया। नायक कालीन मंदिर, ओके। देखिए ये जो नायक कालीन मंदिर है, ये आपको द्राविड़ शैली में जो सॉरी यहाँ पर द्राविड़ कालीन जो मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा ये विजय जो विजयनगर है उस डायनेस्टी का पतन होने के बाद नायकों का उद्भव हुआ। आखिर ये नायक कौन होते थे, इनको भी हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको ये भारत देखने को मिलेगा। ओके, देखिए इस तरह से आपको भारत देखने को मिलेगा। और हम आपको बताए थे जो कृष्णा नदी है, ओके, तो कृष्णा नदी से दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर विजयनगर डायनेस्टी थी। देखिए यहाँ पर विजयनगर डायनेस्टी थी। अब देखिए जो ये विजयनगर डायनेस्टी थी, और यहाँ पर ही बहुत सारे शासक थे ऐसे, ओके, गोलकोंडा, बहुत सारे शासक इधर उधर आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी शासकों ने मिलकर के विजयनगर के ऊपर धावा बोल दिया, विजयनगर पर यहाँ पर एक हमला किया, मतलब युद्ध किया। तो ये युद्ध था बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो युद्ध है वो आपको देखने को मिलेगा कि 1565 में युद्ध लड़ा गया। इसी युद्ध को जिस नाम से जानते हैं वो जिस नाम से जानते हैं वो बोलते हैं राक्षसी तंगड़ी के नाम से, राक्षसी तंगड़ी के नाम से जानते। तो राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, राक्षसी और तंगड़ी का युद्ध के नाम से जानते हैं। इसी युद्ध में जो विजयनगर है उसी विजयनगर डायनेस्टी का पतन हो गया। देखिए इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य उसका पतन होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि वो इस युद्ध में हार गए थे। फिर वो इतने ज्यादा कैपेबल नहीं रहे कि विजयनगर को और ज्यादा आगे ले जा पाए। तो आपको देखने को मिलेगा 1565 में, लिख लीजिए 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। देखिए यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ, फिर भी आपको देखने को मिलेगा ये राक्षसी तंगड़ी इस युद्ध का नाम क्यों पड़ा, तो ये बता देते हैं। देखिए राक्षसी नामक एक गांव है और तंगड़ी नामक एक गांव देखने को मिलेगा। इन दोनों गांव के बीच में लगभग में ये युद्ध है वो लड़ा गया था, इसीलिए इसको राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो विजयनगर के शासक थे उनका यहाँ पर मतलब वो हार गए थे यहाँ पर, तो जिस कारण ये विजयनगर है वो काफी कमजोर हो गया। अब देखिए जब ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, तो इसके पतन के बाद आपको देखने को मिलेगा आगे
इस एरिया में जो शासन मुख्यतः चला वहां पर छोटे छोटे सामंत हैं वो उभर करके आए। देखिए लिख लीजिए, विजयनगर मतलब इसके पतन पर आगे सामंतों का काल आया, काल आया, काल आया जिसे नायक कहा गया, नायक कहा गया। देखिए ये नायक कौन होते थे, एक तरह से सामंती होते थे। जैसे बर्ड हिस्ट्री जिन लोगों ने हमसे पढ़ी है हम वहां पर बताए थे सामंतों के बारे में। ओके, तो इसी तरह से सामंत होते थे। कौन होते थे? सामंत होते थे। अब देखिए जो नायक कौन है, नायक एक तरह से सामंत है, और सामंत है ये कोई आपको देखने को मिलेगा कि ये कोई राजवंश नहीं होता था। अब देखिए इन नायकों के लिए जनता एक्सेप्ट कैसे करे। देखिए ये जब नायक मतलब छोटे छोटे यहाँ पर बहुत सारे शासक उभर के आए, और ये जो नायक होते थे ये नंबर एक कोई राज परिवार से नहीं होते थे, राज परिवार से या राजवंश से, राज परिवार से बिलोंग नहीं करते थे। अब देखिए जब ये राज परिवार से बिलोंग नहीं करते थे तो इनके लिए जो जनता है वो कैसे एक्सेप्ट करे, जनता कैसे स्वीकार करे, जनता कैसे स्वीकार करे। अब देखिए इन्हें जनता कैसे स्वीकार करे, तो इन लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, इनने कहा जनता हमको कैसे स्वीकार करेगी। तो देखिए ये अपने आप को काफी भव्य दिखाने के लिए, ये और सामंती लोग होते हैं वो बिलासीपूर्ण जीवन भी जीते हैं, तो ये बहुत बड़ी बड़ी संरचनाओं का निर्माण कराते थे। तो उसमें देखिए मंदिर है, इन्होंने बहुत भव्य भव्य बड़े बड़े मंदिरों का इस तरह से निर्माण कराया। अब देखिए जब ये मंदिरों का निर्माण कराते थे तो जनता होती थी उनमें इनकी स्वीकार्यता बढ़ती थी। अब देखिए इन मंदिरों में जो जो पंडित होते थे, जो पुजारी होते थे, जो पंडित होते थे, जो पुजारी होते थे, अब देखिए इसमें मंदिर का निर्माण किसने कराया, इस सामंत ने कराया, तो इसकी एक तरह से इसके प्रति लॉयल्टी हो जाती थी। और ये काफी भव्य भव्य जैसे कि यज्ञ रथ करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे, तो अपनी भव्यता को दर्शाते थे, जिससे क्या हो जनता में इनकी स्वीकारता बढ़े। तो इन्होंने बड़ी से बड़ी संख्या में भव्य से भव्य बड़े से बड़े मंदिरों का निर्माण कराया। तो सामंती युग में आपको देखने को मिलेगा जो द्राविड़ शैली थी वो अपने चरम पर पहुंच गई थी। ओके, अपने चरम पर पहुंच गई थी, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, नोट करिए विजयनगर साम्राज्य के, नोट करिए विजयनगर साम्राज्य के, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद, साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र नायकों का उद्भव हुआ, स्वतंत्र नायकों का उद्भव हुआ। नायकों ने द्राविड़ मंदिर की शैलियों को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। नायकों ने द्राविड़ मंदिरों की शैली को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। अब चलिए हम लोग विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं, विशेषताओं के बारे में आप लोगों को हेडिंग डालनी है विशेषता, और यहाँ पर 1 2 करके आपको लिख लेना है। तो सभी द्राविड़ मंदिर की जो विशेषता है वो आपको लिख देनी है। तो नंबर एक, सभी द्राविड़ मंदिर की, द्राविड़ मंदिर की विशेषताएं, तो जितनी विशेषताएं हैं आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग साफ विस्तार में वर्णन कर दीजिएगा। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो मंदिरों का निर्माण किया जाता था वो मंदिर आपको देखने को मिलेंगे कि इस तरह से घट के क्रम में तल्ले के ऊपर तल्ले इस तरह से बनाए जाते थे। ओके, और सर्वोच्च भाग पर एक स्तूपिका होती थी, और बीच में आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा, और सामने आपको इस तरह से मंडप देखने को मिलेंगे। और जो द्राविड़ शैली होती थी वो इस तरह से 4 दीवारी के अंदर बनाई जाती थी, मतलब मंदिर प्रांगण इस तरह से बनाया जाता था, और इस मंदिर प्रांगण के अंदर एक तालाब होता था, मतलब इसमें जल भरा हुआ होता था, और सहायक देवी देवताओं के मंदिर भी आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेंगे, और एक बहुत भव्य द्वार होता था जिसको हम गोपुरम के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम आपको गोपुरम बना करके दिखाए थे, अभी आपको देखे थे, ये क्या था, प्रवेश द्वार था, और इसका
जो इस तरह से शिखर होता था वो आपको पिरामिड नुमा और घट से क्रम में देखने को मिलेगा, जिसके लिए हम लोग विमान भी बोले थे। तो ये सारी विशेषताएं थी, ये सभी विशेषताएं आप लोगों को लिख देनी है। ओके, दूसरा आप लोगों को नोट करना है, भारी संख्या में गोपुरम का निर्माण किया गया। भारी संख्या में गोपुरम का निर्माण किया गया। और देखिए, नायकों के काल तक आते आते आपको देखने को मिलेगा, ना केवल यहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया गया, बल्कि यहाँ पर मंदिर शहरों का निर्माण किया गया। यहाँ पर बहुत सारे समूह में मंदिरों का निर्माण किया गया, और मंदिर इतने ज्यादा भव्य होते थे, इतने ज्यादा अधिक जगह में बनाए जाते थे कि मंदिर के परिसर में ही, नायकों के काल तक आते आते इस मंदिर के परिसर में ही कारखाने होते थे। इसी मंदिर के परिसर में बहुत सारे जो क्रियाकलाप है वो सब होते थे, जैसे कि कारखाने हो गया, उत्पादन का कार्य हो गया, रहने का, आवास का, मतलब मैक्सिमम चीजें इसके अंदर ही होती थी। तो एक तरह से यहाँ पर मंदिर नगर बसने लगे। क्या? मंदिर नगरों का विकास होने लगा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो नायकों ने इतना ज्यादा फोकस किया मंदिरों के ऊपर। ओके, दूसरा पॉइंट आप लोगों ने नोट किया, भारी संख्या में गोपुरम का निर्माण किया गया। जैसे कि गोपुरम यहाँ पर 2, 5, 7, इसी तरह से ज्यादा से ज्यादा आपको 21 तक आपको गोपुरम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मतलब 21 प्रवेश द्वार, 21 बड़े बड़े गोपुरमों का निर्माण किया गया। इसी तरह से तीसरा पॉइंट आप लोगों को नोट करना है, नायक मंदिरों में साज सज्जा का अलंकरण काफी खूबसूरती एवं भव्यता के साथ, नायक मंदिरों में साज सज्जा एवं अलंकरण, साज सज्जा एवं अलंकरण काफी खूबसूरती एवं भव्यता के साथ अलंकरण काफी खूबसूरती एवं भव्यता के साथ किया गया है, भव्यता के साथ किया गया है। ओके, चौथा पॉइंट आप लोगों को नोट करना है, भव्यता के नहीं, अभी तीसरे पॉइंट में ही थोड़ा सा और नोट कर लीजिए, भव्यता के साथ किया गया है, जिसका प्रमुख उदाहरण रामेश्वर गलियारा है, जिसका प्रमुख उदाहरण रामेश्वर गलियारा है। ऐसा लगता है कि नायकों तक आते आते ऐसा लगता है कि नायकों तक आते आते द्राविड़ वस्तुकला ने अपनी सर्वोच्च ऊंचाई प्राप्त कर ली हो। नायकों तक आते आते द्राविड़ वस्तुकला ने अपनी सर्वोच्च ऊंचाई प्राप्त कर ली हो, सर्वोच्च ऊंचाई प्राप्त कर ली हो। देखिए, आपको रामेश्वर गलियारा एक बार दिखाते हैं, कितना खूबसूरत, कितना भव्य आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये रामेश्वर गलियारे का आपको पिक देखने को मिलेगा, देखिए कितना खूबसूरत है। देखना है ना आप लोग, देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत, कितना ज्यादा अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये क्या है, रामेश्वरम गलियारा आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें अलंकरण है, उस अलंकरण पक्ष को देखिए, कितनी बारीकी से सारी चीजों को यहाँ पर सजाया गया है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। चलिए, चौथा पॉइंट नोट करिएगा, नायक मंदिर स्थापत्य कला, नायक मंदिर स्थापत्य कला कौमा मूर्ति कला तथा चित्रकला के
अद्भुत संगम है तथा चित्रकला के अद्भुत संगम है, अद्भुत संगम है गोपुरम के बाहरी भागों तथा गर्भगृह के बाहरी दीवारों तथा गर्भगृह के बाहरी दीवारों स्तंभों आदि पर अत्यंत सुंदर देवी देवताओं की प्रतिमाओं को अत्यंत सुंदर देवी देवताओं की प्रतिमाओं को प्रतिमाओं को सजाया गया है प्रतिमाओं को सजाया गया है सजाया गया है अनेक मंदिरों जैसे मीनाक्षी मंदिर जैसे मीनाक्षी मंदिर में खूबसूरत चित्रण किया गया है खूबसूरत चित्रण किया गया है। पांचवा पॉइंट लिखिए, नायक कालीन प्रमुख मंदिरों में मीनाक्षी मंदिर कौमा रंगनाथ मंदिर कौमा रंगनाथ मंदिर तथा रामेश्वर मंदिर रामेश्वरम मंदिर प्रमुख हैं रामेश्वरम मंदिर प्रमुख हैं। इसी तरह से सिक्स पॉइंट नोट करिए, नायकों ने केवल एक मंदिर को नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने पूरा मंदिर शहर विकसित किया, पूरा मंदिर शहर विकसित किया। यहाँ मंदिर के प्रांगण में ही आवास, बाजार तथा कारखाना आदि सभी बने हैं यादि सभी बने हैं। देखिए, आपको इस तरह से मीनाक्षी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ये मीनाक्षी मंदिर कितना ज्यादा भव्य है, और इसमें देखिए यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियों को अलंकृत किया गया है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, फूल पत्तियां आपको देखने को मिलेंगी, मतलब पूरे मंदिर के ऊपर इस तरह से खूबसूरत खूबसूरत जो अलंकरण है वो किया गया है। ओके, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं जो अभी हम एग्जाम्पल में आपको दिखाए थे। और देखिए ये रामेश्वरम मंदिर है, देखिए जो अभी हम रामेश्वरम गलियारा आपको दिखाई थी उसी का ये आपको मंदिर देखने को मिलेगा। ओके, उसी का देखिए ये मंदिर है। ओके, तो ये रामेश्वरम गलियारा इसके अंदर बना हुआ है, ये तो एक तरह से प्रवेश द्वार आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब आगे आते हैं बेसर शैली के ऊपर। देखिए हमने द्राविड़ शैली देख ली,
और नागर शैली भी देख ली। अब हम लोग बेसर शैली के ऊपर आते हैं। तो बेसर शैली के बारे में हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम लोग अब थोड़े से डीप में पढ़ने वाले हैं बेसर शैली के बारे में। बेसर शैली के मंदिर, बेसर शैली के मंदिर आप लोगों के लिए देखिए प्रॉपर नोट्स बनवाए जाते हैं, और आपको सभी को प्रॉपर नोट्स बनवाने के बाद में कोई नहीं मांगेगा कि सर हमको नोट्स दे दीजिए, ओके, क्योंकि आपको प्रॉपर नोट्स जब बनवाए जा रहे हैं तो आपको नोट्स नहीं मांगने हैं। तो देखिए इस तरह से आपको भारत देखने को मिलेगा। तो इस एरिया में देखिए, इस एरिया में यहाँ पर आपको पश्चिमी चालुक्य देखने को मिलेंगे। तो बेसर शैली में पश्चिमी पश्चिमी चालुक्य ने 7वीं से 9वीं शताब्दी शताब्दी के बीच में बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण कराया। फिर उसके बाद में इनके बाद है वो आए आपको देखने को मिलेगा। इनके बाद कौन आते हैं? राष्ट्रकूट आते हैं, राष्ट्रकूट आते हैं। तो राष्ट्रकूट आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर 9 से 13वीं शताब्दी के बीच में, 13वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पर मंदिरों का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर होयसल आते हैं, होयसल शासक आते हैं, और इनके नेतृत्व में बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण होता है। बेसर शैली क्या है? द्राविड़ शैली और नागर शैली है, उसी का मिला जुला रूप आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से इन शैलियों का मतलब बेसर शैली में मंदिरों का विकास हुआ। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी चालुक्य जो शैली है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है पश्चिमी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य शैली के मंदिर, पश्चिमी चालुक्य शैली के मंदिर। ओके, तो चलिए इनकी विशेषताओं के बारे में लिख लीजिए। विशेषताएं, तो देखिए विशेषताएं आप लोगों को लिखनी है। नंबर एक, बेसर शैली के सभी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बेसर शैली के सभी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए जो भी सारी विशेषताएं हम स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब आप लोग मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, जो आपको फर्स्ट वीडियो वास्तुकला की जो फर्स्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी, तो वहां पर ही आप लोगों के लिए पढ़ाई थे। तो वो सभी विशेषताएं आपको यहाँ पर लिख देनी है, क्योंकि ये दोनों का मिला जुला रूप आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से दूसरा आपको पॉइंट लिखना है कि यहाँ पर चालुक्यों द्वारा मुख्यतः तीन बड़े केंद्रों पर, मुख्यतः मुख्यतः तीन बड़े केंद्रों पर मंदिरों का निर्माण कराया गया, मंदिरों का निर्माण कराया गया जो निम्न है। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि वो तीन बड़े बड़े स्थान कौन से थे। एक आपको ऐहोल देखने को मिलेगा, दूसरा बादामी, और तीसरा पदक्कल आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम तीनों के बारे में सविस्तार में बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला आपको देखने को मिलेगा, आप लोगों को यहाँ से ही नोट करना है। देखिए हमारे पास जगह नहीं है, तो आप लोग यहाँ से ये नंबर डाल लीजिएगा। ओके, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा ऐहोल, मतलब एक स्थान तो ये था, ऐहोल के मंदिर। तो देखिए ऐहोल में कौन कौन से प्रमुख मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो नंबर एक आपको देखने को मिलेगा लाड़ख्खा का मंदिर, लाड़ख्खा का मंदिर। ये किसका है? ये सूर्य मंदिर है। ये किसका है? ये आपको सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा, मतलब सूर्य देवता का है। दूसरा दुर्गा मंदिर, दूसरा दुर्गा मंदिर। तीसरा आपको देखने को मिलेगा कुंती का मंदिर, कुंती का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। चौथा आपको देखने को मिलेगा मोक्तु का, मुक्ति का। ओके,
मुगती का जैन मंदिर, जैन मंदिर, ओके। तो ये है, तो ये आपको प्रमुख देखने को मिलेंगे ये होल के मंदिर में, ओके। तो देखिए इसकी इमेज भी हम दिखा दे रहे हैं। वैसे यहाँ पर आपको बी बी पॉइंट लिखना है, फिर सी बी लिखना है। तो पहले लिखा देते हैं, फिर सबकी इमेजेस आप लोगों को दिखाते हैं। दूसरा लिखिए, दूसरे स्थान कौन सा था? दूसरा स्थान था बादामी, ओके। बादामी की पहाड़ियों के बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत सुने होंगे। बादामी के मंदिर, बादामी के प्रमुख मंदिर, ओके। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे पहला वैष्णव मंदिर, वैष्णव मंदिर। दूसरा आपको देखने को मिलेगा भूतनाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर। और तीसरा, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ, तीसरा मंदिर है जम्बू लिंगेश्वर मंदिर, जम्बू लिंगेश्वर मंदिर, लिंगेश्वर मंदिर, ओके। इसी तरह से जो पदक्कल में भी आपको कुछ मंदिर देखने को मिलेंगे। देखिए जैसे ये है, ये एक स्थान हो गया, बी आपको ये स्थान, आपको बादामी स्थान देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको तीसरा देखने को मिलेगा। देखिए हमारी सिस्टर है, वो बार बार फोन कर रही है, ओके। यहाँ पर सी आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली क्या, आज हम अल्ट्रासाउंड कराने दवा लेने गए थे ना पीलीभीत में पापा जी के साथ में, तो सिस्टर बोली थी कि हम खाना भेज देंगे, तो सिस्टर का उस टाइम फोन स्विच ऑफ हो गया था। तो पता नहीं अभी हम घर पर आ गए हैं, आप लोग क्लास देने लगे हैं, वो कॉल कर रही हैं, पता नहीं वो खाना वाना पहुंचाया होगा क्या। तो देखिए इसी तरह से आपको पदक्कल में भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें एक आपको देखने को मिलेगा पापनाथ का मंदिर, पापनाथ का मंदिर। दूसरा आपको देखने को मिलेगा मल्लिकार्जुन का, मल्लिका अर्जुन का मंदिर। तीसरा आपको देखने को मिलेगा वीरूपक्ष का मंदिर, वीरूपक्ष का मंदिर। चौथा आपको देखने को मिलेगा जैन मंदिर, चौथा आपको देखने को मिलेगा जैन मंदिर, ओके। नोट करिएगा जल्दी से, नोट करिएगा जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। नोट कर लिया आप लोगों ने, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आपको थोड़ा बहुत छूट गया होगा। वैसे आप लोगों को ये पीडीएफ भी आप लोगों को दे दी जाती है, आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर एक पीडीएफ का लिंक दिया रखा होता है, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। तो चलिए आप लोगों को एक बार मंदिरों की फोटो दिखा देते हैं, जिससे आप लोग फोटो देखेंगे तो अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको, देखिए ये होल के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से। ये कौन सा है? ए होल का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, देखिए इस तरह से, ओके। ये कौन सा मंदिर है? ए होल का मंदिर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। देखिए दूसरा, आप इसी का मतलब थोड़ा सा विस्तृत रूप आपको लोगों को दिखाते हैं। ये जो ए होल का मंदिर है ना, ये दुर्गा मंदिर है, ओके। तो देखिए इसी में आपको दिखाते हैं, ये देखिए दुर्गा मंदिर, ए होल का ये दुर्गा मंदिर है। तो ये देखिए, ये आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए इस तरह से ये बहुत सारी मूर्तियां हैं यहाँ पर, ये दुर्गा जी की मूर्ति बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मंदिर परिसर है, ओके, वो आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो इस तरह से कौन सा मंदिर हो गया? ये होल के मंदिर समूह ये हो गए। चलिए और हम एक दो मंदिर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिससे आप लोगों को ये मंदिरों की फोटो आप लोग देख करके और ज्यादा अच्छे से सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, ओके। और देखिए इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखिए ये वाला देखने को मिलेगा, बादामी का कैलाश मंदिर। ये देखिए आपको बादामी का कैलाश मंदिर देखने को मिलेगा। और आपको कुछ मंदिर दिखा देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लगता है कुछ इमेजेस हमने यहाँ पर ली नहीं है क्या, मिस हो गई हैं, खो गई हैं क्या? ये देखिए, ये देखना चाहते तो ये होल का भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए वैष्णव मंदिर है, तो
ये देखिए, ये आपको बादामी का जो वैष्णव मंदिर है वो आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। ओके okay? तो देखिए, जो आपको ये सारे मंदिर दिखाए थे ना इधर, हम आप भी आपको पढ़ाए थे, तो देखिए ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बादामी का जो वैष्णव मंदिर है वो अभी जस्ट हमने जो इमेज लगाई है वही आपको देखने को मिलेगी। ओके okay? इसी तरह से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रकूट शैली के मंदिर। जैसे अभी हम लोग चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य के बारे में देख लिए, अब राष्ट्रकूटों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दूसरी हेडिंग डालिए, राष्ट्रकूट शैली के मंदिर, राष्ट्रकूट शैली के मंदिर। ओके, राष्ट्रकूट शैली के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए, एक किस कितने से कितनी सेंचुरी के बीच में देखने को मिलेगा आपको, 9 से 13 शताब्दी के बीच में, 9 से 13वीं शताब्दी के बीच में। ओके तो चलिए यहां पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पश्चिमी चालुक्यों को पराजित करके राष्ट्रकूटों ने सत्ता हासिल की। राष्ट्रकूटों ने सत्ता हासिल की। राष्ट्रकूटों ने बेसर शैली के तहत राष्ट्रकूटों ने बेसर शैली के तहत बेसर शैली के तहत अनेक अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। चलिए विशेषताएं लिख लीजिए, हेडिंग डालिए विशेषताएं, हेडिंग डालिए विशेषताएं। विशेषताओं में आपको लिखना है सभी बेसर लक्षण, जितने भी बेसर शैली के जो लक्षण है इन मंदिरों में आप लोग ऐड कर देना है, अगर मेंस का क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, सभी बेसर लक्षण, ओके, या फिर सभी बेसर विशेषताएं। ओके, दूसरा आप लोगों के लिए डालना है राष्ट्रकूटों के प्रमुख मंदिर, राष्ट्रकूटों के प्रमुख मंदिर, राष्ट्रकूटों के प्रमुख मंदिर। तो देखिए राष्ट्रकूटों के अगर हम प्रमुख मंदिरों की बात करें तो आपको एक देखने को मिलेगा एरोला का मंदिर, जो कैलाश मंदिर है, एरोला का कैलाश नाथ मंदिर, जो अभी हम आप लोगों के लिए एक दिखाए थे ना, वो आपको देखने को मिलेगा। ये राष्ट्रकूट के जो प्रथम शासक थे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था इसको, अगर लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, लिखवा देते हैं, कृष्ण प्रथम ने बनवाया राष्ट्रकूटों के शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया। ओके, इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे, जैसे कि दूसरा एरोला स्थित इकास जैन मंदिर, एरोला स्थित इकास जैन मंदिर, जैन मंदिर, और आपको तीसरा देखने को मिलेगा काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, जो आपको पदक्कल का देखने को मिलेगा। ओके, पदक्कल में आपको काशी विश्वनाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको नारायण मंदिर आपको देखने को मिलेगा, डी नारायण मंदिर, ये भी कहां पर है, ये भी पदक्कल में ही आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको पदक्कल में देखने को मिलेगा। ओके,
अब यहाँ पर थोड़ा सा जो एरोला का जो कैलाश मंदिर है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो लिख लीजिए, एरोला का कैलाश मंदिर, एरोला का कैलाश नाथ मंदिर, एरोला का कैलाश नाथ मंदिर, एरोला का कैलाश नाथ मंदिर। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए, एरोला की गुफाएं महाराष्ट्र के, एरोला की गुफाएं महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं, औरंगाबाद में स्थित हैं, औरंगाबाद में स्थित हैं। एरोला की पहाड़ियों को काटकर, एरोला की पहाड़ियों को काटकर विविध कलाकृतियों का निर्माण कराया गया, विविध कलाकृतियों का निर्माण कराया गया जो ब्राह्मण कौमा जैन जो ब्राह्मण जो ब्राह्मण कौमा जैन कौमा बौद्ध बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं, तीनों धर्मों से संबंधित हैं। एरोला मंदिर की विशेषताओं के बारे में अगर लिखना चाहते तो आप लोगों को लिखना है आगे विशेषताओं, एरोला मंदिर की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अभी पढ़ा रहे हैं। तो नंबर एक एरोला का कैलाश नाथ मंदिर, एरोला का कैलाश नाथ मंदिर एरोला का एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर, कैलाश नाथ मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कराया गया। दूसरा पॉइंट नोट करिए, एरोला का कैलाश नाथ मंदिर का एरोला का कैलाश नाथ मंदिर का मंदिर एक एरोला का कैलाश नाथ मंदिर एक समग्र पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर काट कर निर्मित किया गया, ऊपर से नीचे की ओर काट कर निर्मित किया गया। मंदिर का क्षेत्रफल मंदिर का क्षेत्रफल 276x154 फिट है, 276x154 फिट है। तीसरा आप लोगों के लिए पॉइंट नोट करना है, एरोला मंदिर के तहत एक गर्भगृह, एरोला मंदिर के तहत एक गर्भगृह गर्भगृह देखिए जो गर्भगृह है ये मुख्य देवता शिव का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मुख्य देवता कौन है, मुख्य देवता यहाँ पर शिव देखने को मिलेंगे। देखिए इस समय तक आते आते पहले क्या होता था, केवल प्रमुख आपको जैसे शिव ब्रह्मा विष्णु आपको यही तीन चार प्रमुख देवी देवता देखने को मिलेंगे, और देवी देवताओं को सहायक देवी देवताओं के रूप में मनाया जाता था। लेकिन हल्के हल्के जो सहायक देवी देवता थे उनकी यहाँ पर जो जो सहायक देवी देवता होते थे उनकी भूमिका है वो थोड़ी सी बढ़ाने लगे। जो और शासक थे उन्होंने उनको भी प्रमुख देवी देवताओं के रूप में उनके मंदिरों को स्थापित किया गया, ना कि सहायक देवी देवताओं के रूप में। जैसे कि कृष्ण देखने को मिलेंगे, नारायण देखने को मिलेंगे, गणेश आपको देखने को मिलेंगे। तो जो गणेश जी हैं पहले इन्हें सहायक देवी देवताओं के रूप में मनाया जाता था, लेकिन अब गणेश जी के सेपरेट प्रमुख मंदिरों का निर्माण होने लगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो हम आपको लिखा रहे थे एरोला मंदिर के तहत एक गर्भगृह,
तथा गर्भगृह तथा कई मंडप मनाए गए हैं, कई मंडप मनाए गए हैं। इनके मंडपों को पहाड़ी काटकर अत्यंत दक्षता के साथ बनाया गया है, अत्यंत दक्षता के साथ मनाया गया है, अत्यंत दक्षता के साथ मनाया गया है, अत्यंत दक्षता के साथ मनाया गया है। इसका प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, इसका प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा की ओर है। चौथा पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, वास्तु संरचना के साथ साथ वास्तु संरचना के साथ साथ वास्तु संरचना के साथ साथ शिल्पांकन में भी ऐरोला का मंदिर काफी अद्भुत है। शिल्पांकन में भी ऐरोला का मंदिर काफी अद्भुत है, काफी अद्भुत है। मंदिर के भीतर एवं बाहर चट्टानों में अनेक खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई हैं। भीतर एवं बाहर चट्टानों में अनेक खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई हैं, खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई हैं। स्तंभ काफी कलात्मक रूप में बने हैं, स्तंभ काफी कलात्मक रूप में बने हैं। स्तंभों के साथ साथ पत्थर काटकर स्तंभों के साथ साथ पत्थर काटकर हाथियों का झुंड इस प्रकार बनाया गया है, हाथियों का झुंड इस प्रकार बनाया गया है, हाथियों का झुंड इस प्रकार बनाया गया है, जैसे मानो वो समस्त भार ढो रहे हों, जैसे मानो वे समस्त भार ढो रहे हों, समस्त भार ढो रहे हों। पांचवा पॉइंट नोट करिएगा, पांचवा पॉइंट नोट करिएगा, लाइट चली गई है लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे कंप्यूटर फुल चार्ज है। मंदिर में पौराणिक कथाओं के विषय के मंदिर में पौराणिक कथाओं, ठीक है, पौराणिक कैसे लिखा जाएगा, पौराणिक कथाओं के विषयों के अनेक मूर्तियां बनी हैं, मूर्तियां बनी हैं। इसमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने, कौमा विष्णु के नरसिंह अवतार, विष्णु के नरसिंह अवतार, कौमा शिव पार्वती विवाह के दृश्य कौमा शिव का भैरव रूप, शिव का भैरव रूप, कौमा
पार्वती को लास्य नृत्य करते हुए तथा शिव को तांडव नृत्य करते हुए तथा शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखलाया गया है। शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखलाया गया है। एरोला के वास्तुगत एवं शिल्पगत विशेषताओं को देखकर एरोला के वास्तुगत एवं शिल्पगत विशेषता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह भारत में विकसित हुई शैलकृत वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट रूप है। शैलकृत मतलब जो रॉकट टेम्पल बनाए गए थे उन उनमें अगर हम बात करें तो उनमें आपको सर्वोत्कृष्ट आपको यह देखने को मिलेगा। ओके, तो रॉकट वाले में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। शैलकृत वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट रूप है। अब हम लोग देख लेते हैं होयसल मंदिरों के बारे में, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, होयसल शासकों ने मंदिरों का निर्माण कराया था, उनके बारे में, उन शैली की बात हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोग नोट करिएगा, राष्ट्रकूटों के बाद दक्कन में होयसल शासक आए इन्होंने भी बेसर शैली के तहत अनेक मंदिरों का निर्माण कराया होयसलों द्वारा निर्मित प्रमुख मंदिर निम्न हैं। होयसलों द्वारा निर्मित प्रमुख मंदिर निम्न हैं, तो इनको नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो एक आपको देखने को मिलेगा होयलेश्वर मंदिर, ये देखिए कुछ मंदिरों के नाम है। ये दक्षिण भारत, मतलब वैसे तो जो दक्कन का बंटवारा है उधर आपको देखने को मिलेंगे, तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आपको थोड़े से देखने को मिलेंगे, लेकिन एक दो बार बोलेंगे तो आप आराम से इनको पढ़ लिया करेंगे। ओके, दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो चन्ना केशव मंदिर, ये बेलूर के द्वारा, ये आपको बेलूर में देखने को मिलेगा। तीसरा आपको देखने को मिलेगा पदक्कल का एवं मैसूर का मंदिर, मैसूर का मंदिर। ओके, तो यही आपको प्रमुख आपको देखने को मिलेंगे। और कल हम लोग यहाँ पर देखेंगे चैत्य एवं बिहार के बारे में। देखिए वैसे ये हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं। ओके, ये आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए ये होयसल शासकों के द्वारा बनाया गया था, देखिए ये भी काफी खूबसूरत मंदिर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, तो आज के लेक्चर है वो यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को अपने क्लब से जोड़ने का प्रयास करें। ओके, कल हम लोग चैत्य और बिहार के बारे में देखेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत छोटे छोटे हुआ करेंगे। मंदिर स्थापित कला हमारा थोड़ा सा लंबा था, इसके बाद थोड़ा सा निरत टॉपिक भी थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं, तो हम बोलूँ जल्दी से सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, हमारा आर्ट एंड कल्चर फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग इन्वायरमेंट को स्टार्ट करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। यहाँ पर पीटी और मेंस दोनों में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो 27 जून से आप लोगों का जो इन्वायरमेंट है वो स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर प्रिपेयर रहिएगा और एनसीईआरटी खरीद दीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं खरीदी है। ओके, चलिए इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं।